डीडी एकेडमी के तरफ से मैं डीडी रॉय एनटीपीसी की संपूर्ण कोर्स दो चैप्टर के लिए जो है समय और दूरी और सरल ब्याज मतलब टाइम एंड डिस्टेंस और सिंपल इंटरेस्ट उसका संपूर्ण कोर्स लेके आया हूं, मतलब संपूर्ण तैयारी दो चैप्टर के लिए, और ये फटाफट तैयारी हो सके और साथ में बेसिक के साथ हो। तो ये कोई दो एक या दो वीडियो नहीं है बल्कि ये ग्रुप ऑफ वीडियोस हैं जिससे आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और जीरो लेवल से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इन बातों को थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेते हैं। सबसे पहला है कि देखिए आप जो है इस वीडियो को जो देख रहे हैं यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन का आपका ये सिंबल है, इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है। ये खुलने के बाद देखिए पब्लिश्ड ऑन 7 मई 2019 नीचे लिंक दिया हुआ है। ये लिंक आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इस लिंक को मतलब इस वीडियो को देख लेने के बाद फिर आप इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन का ये निकलता है जिसमें ये लिंक लिखा हुआ है। इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप सीधे जो है एक दूसरे साइट पे चले जाते हैं जहां पर आपको एक सिंपल इंटरेस्ट करके एक ब्लॉक दिखता है, दूसरा उसी के साथ दिखता है टाइम एंड डिस्टेंस का, और तीसरा ब्लॉक दिखता है बेसिक गणित के सारे बेसिक। यहीं से आपकी प्रक्रियाएं शुरू होती है। अब यहां से फिर से मैं बोल देता हूं, आपने डिस्क्रिप्शन पे आपने क्लिक किया, नीचे लिंक मिला, लिंक को क्लिक किया। अब इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज के ऊपर सारे गणित जो है यहाँ पे मिलेंगे, समय और दूरी पर एनटीपीसी के लिए सारे गणित यहाँ पर मिलेंगे, और बेसिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं तो बेसिक्स को संभालने के लिए सारे गणित सारे तरीके यहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए जैसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको जो है एक वीडियो दिखता है कि साधारण ब्याज बेसिक के साथ। जी हाँ, अगर मैं पकड़ लेता हूं थोड़े देर के लिए कि साधारण ब्याज की बेसिक्स में आपकी प्रॉब्लम है तो आप शुरुआत इस वीडियो के साथ करते हैं, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं ये वीडियो चालू हो जाता है, और अगर वो सही है तो इसमें दो वीडियो ऐसे भी रखे हुए हैं। जैसे देखिए ये साधारण ब्याज और ब्याज पद्धति, ये आपके रेलवे के जो सवाल अभी तक पूछे गए हैं उन पे ही ये सवाल आपके किए गए हैं सारे सारे के सारे साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के। और साथ ही साथ एक वीडियो और भी दिया हुआ है जो पिछले साल जितने सवाल पूछे गए थे उसमें से 15-20 सवालों का सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये चार वीडियो जो है ये चार वीडियो आपके सरल ब्याज के ऊपर आपकी तैयारी में पूर्णता देता है। देखिए इसको मैंने इसलिए किया एक साथ इस तरह से आपको दे रहा हूं जिससे कि तैयारी के लिए एक वीडियो देखने के बाद उसके सीक्वेंस में जो दूसरी तीसरी वीडियो देखना होता है वो चूंकि आप लोगों को नहीं मिलता है, इसके लिए मैंने इन चीजों को इस तरह से सजा के आपको दे रहा हूं मेरे वेबसाइट के जरिए कि आपको किसी भी तरह की तैयारी में असुविधा नहीं हो। और ये कमजोर छात्र के लिए विशेषकर मेरा निवेदन है। तो ये हमने बात की आपसे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, अब आते हैं चलिए हम बात करते हैं, फिर से हम याद दिला देते हैं कि देखिए डिस्क्रिप्शन पे ये छोटा सा ट्रायंगल त्रिभुज होता है, आप भी देखेंगे जब आप वीडियो देख रहे हैं इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ आपको ये लिंक दिखेगा और जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी खुल जाती है। अब चलिए समय और दूरी को क्लिक करते हैं। जैसे समय और दूरी को क्लिक करते हैं तो देखिए पहला जो एक आता है समय और दूरी का पार्ट वन, ये गणित में मैं बहुत कमजोर हूं तो कहने का मतलब है कि एकदम बेसिक से शुरू होता है समय और दूरी, एकदम जीरो लेवल से बातें शुरू होती है। और दूसरी वीडियो जो इसकी आती है वो पार्ट टू है समय और दूरी की। ये दो पार्ट के साथ साथ जो है तीसरा आता है पार्ट थ्री। तो ये तीन जो वीडियो है समय और दूरी के पर पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ये एनटीपीसी की तैयारी के लिए संपूर्णता देता है। साथ ही साथ इसकी एक वीडियो और भी है जिसमें आपकी एनटीपीसी के ऊपर पिछले साल के सवालों को हल करके दिया गया है। तो इस तरह से समय और दूरी के ऊपर इस चार वीडियो से आप समय और दूरी के सारे सवाल एनटीपीसी में जिस तरह से आते हैं उसको आप संपूर्ण तरीके से तैयार कर लेते हैं।
तो मेरा जो ये निवेदन रहा ये रहा कि आप एक वीडियो में थोड़ा सा नहीं समझा के, बल्कि मैंने 8 वीडियो को एक साथ आपके सामने पेश किया है कि जिससे आप सही रूप से तैयारियां कर लें, और मतलब संपूर्णता जिसको बोलते हैं कि इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है, और इसकी जितने भी आप तरीके हैं जो आजकल के छोटे तरीके हैं जो बड़े सिंपल वे में हो जाते हैं, उन तरीकों को ही लिया गया है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये निवेदन आप लोगों को अवश्य सही लगेगा, और इस तरह से मैं अगले में भी कुछ वीडियो इस तरह से देने वाला हूं, सो दैट कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं वो अपनी तैयारी में पूर्णता ला सके। तो आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।